हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। हमारे चैनल करियर्स एंड कोर्सेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज की वैकेंसी है वो डीपीएस की तरफ से है और डीपीएस स्कूल की तरफ से वैकेंसी है, तो और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि सैलरी वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे करेंगे और अदर फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम डेली बेसिस पे आपसे मल्टीपल वैकेंसी शेयर करते हैं, आप उनका बेनिफिट उठा सकें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल है, उससे भी जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसीज की हम डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ये है वैकेंसीज की डिटेल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है, एक्चुअली ये डीपीएस स्कूल की हमने आपकी वेबसाइट खोली है और डिटेल्स आगे मैं बताती हूँ। एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट विद ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कंप्यूटर नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। वो सभी की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर में होती है। फिर टीजीटीज में इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज है, ये टीजीटीज के लिए था। फिर प्राइमरी टीचर्स टू टीच फ्रेंच, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस है। फिर फिजिकल एजुकेशन प्रेफरेंस फॉर एनसीसी सी लेवल सर्टिफिकेट होल्डर योगा, देन स्कूल काउंसलर के लिए है, और फिर उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। फिर एलडीसी अकाउंट क्लर्क के लिए वैकेंसी एलडीसी के लिए है, और इसकी डिटेल के लिए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट एंड सबमिट द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट दिल्ली पब्लिक स्कूल नेहरू नवी मुंबई विद 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये आपको 7 days और 7 days में तक सबमिट करना है, और आज 15th को एक्चुअली आया था, 15th को है, आज 18th है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए। देन उसके बाद डिटेल्स अबाउट द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट मेंशन इज अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। अभी मैं आपको विजिट कराती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देन उसके बाद है कि सैलरी के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि 7th पे कमीशन स्केल, PF ग्रेजुएटी, LTC, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज एज पर डीपी सोसाइटी रूल्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन है, सैलरी के लिए आपको कोई डाउट नहीं है कि 7th पे कमीशन है कि नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। पार्ट टाइम एटॉक टीचर्स कंसोलिडेटेड सैलरी एज पर द डीपी सोसाइटी नॉर्म्स। तो ये यहाँ पे ये थी डिटेल्स। तो अभी हम स्कूल की वेबसाइट देख लेते हैं, और ये भी देख, ऑल राइट्स आर रिजर्व विद द स्कूल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉलिंग फॉर इंटरव्यू। फिर ये देखिए, ये स्कूल की वेबसाइट है, जो स्कूल की वेबसाइट है dpsnavimumbai.edu.in। तो ये स्कूल की वेबसाइट है, इसका आप देख, अगर आप यहाँ पे इसके ओपन करेंगे देन उसके बाद ये करियर सेक्शन है। करियर सेक्शन में यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसीज आ जाएंगी। फिर क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो डिटेल है उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको विजिट करनी ही पड़ेगी ये वेबसाइट को। देन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी खुल जाएगा, जहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पे कर रहे हैं, अगर आपको लोकेशन सूट करती है, क्वालिफिकेशन मैच करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो एडिशनल फी नहीं चार्ज करते हैं। काफ़ी सारे डीपीएस स्कूल्स में वो लोग चार्ज करते हैं, मगर यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, मेरी ओपिनियन में अगर आपकी क्वालिफाइड हो तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई तो करना ही बनता ही, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो। थैंक यू वेरी मच।